नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों पर एक बार पुनः नजर डालते हैं। गांव वाले करा रहे हैं चंदा देकर सफाई। जी हां, यूपी के बदायूं जिले के थाना इस्लाम नगर अंतर्गत ग्राम पतिसा में लोगों का कहना है कि वहां चंदा देकर सफाई करा रहे हैं। यहां पर महीने में एक बार सफाई होती है, वह भी लोग चंदा देकर कराते हैं। हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की और पता चला कि यहां पर जो सफाई होती है महीने में एक बार होती है और ना ही कोई ब्लॉक से सफाई कर्मचारी आता है। देखे महिला थाना बदायूं से नितिन कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम तुम्हारा? अशोक। कब से कर रहे हो सफाई? चार पांच दिन हो गए लगे। अच्छा, काफी गंदगी आई है। कौन करा रहा है ये? हमारे गांव के करा रहे हैं। गांव के करा रहे हैं सफाई कर्मी? आप कहाँ से हो? मतलब यहीं पे? हम अपने हैं गांव के रहने वाले हो। वैसे कोई सफाई कर्मी नहीं है इस गाँव में? नहीं है। तो ये लगभग कितने दिन बाद होती है? महीने में? महीने में एक बार। गांव के कराते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं चंदा करके। हाँ। जो है तब ये सफाई कराई जाती है। हाँ। शासन के द्वारा जो सफाई कर्मी लगे हुए हैं वो यहाँ कभी नहीं आते हैं क्या? हैं वैसे लगे हुए? हैं, सैफुल्लागंज पे, खंजनपुर पे कोई नहीं आता। अच्छा, सैफुल्लागंज पर लगे हुए हैं, खंजनपुर पर लगे हुए हैं, लेकिन इस गांव पे सफाई कर्मी कोई नहीं आता है। आपका क्या नाम है? कुंवरपाल। आप यहीं के रहने वाले हो? ये आप गंदगी जो देख रहे हो, ये इतनी गंदगी पड़ी है, निकलने को भी परेशानी होगी जब ये सफाई नहीं होगी। यहाँ पे पानी भरा हुआ होगा, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सफाई कब से नहीं हुई है? चंदा करके जो है इकट्ठा करते हैं, जैसा कि सफाई कर्मी ने इन्होंने बताया कि ये चंदा करके जो है सफाई होती है। तो यहाँ कोई सफाई कर्मी शासन के द्वारा नियुक्त नहीं है क्या? नहीं है। सच्चे बातें हैं यहाँ पे? अच्छा, किन के? अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चरण सिंह है। अच्छा, ये आप जो सफाई देख रहे हैं अपने पीछे, आप जो सफाई अपने पीछे देख रहे हैं, ये आपको लगता है कितने दिन से सफाई नहीं हुई है? ये साहब पहली बार ही है ये सफाई। पहली बार कितने महीने में? दो चार साल। यहाँ कोई अधिकारी नहीं आता है? कोई अधिकारी ना आवत वा? अच्छा, आपने किसी से शिकायत की इसकी? शिकायत कर गई। अच्छा, प्रधान जी कौन है? प्रधान जी यादवीर सिंह है। यादवीर सिंह, वो आते थे पहले कभी? गाँव देखा ना होता। अच्छा, चलो। बाजार बंदी के लिए व्यापारियों ने किया जनसंपर्क। जी हां, यूपी के बरेली जिले के कोतवाली क्षेत्र में संयुक्त व्यापार मंडल के नेतृत्व में महिला व्यापारियों एवं पदाधिकारियों ने कुतुब खाना और सामतगंज सब्जी मंडी, मनिहारो गली, बड़ा बाजार, शास्त्री मार्केट, हॉस्पिटल रोड कोतवाली क्षेत्रों में व्यापारियों से जनसंपर्क कर उनको जागरूक किया व 7 तारीख से होने वाले बंद का आह्वान किया, समर्थन मांगा, सहयोग मांगा और उनको बताया कि पहले परिवार या व्यापार, लगभग व्यापारियों ने बंदी के फैसले को उचित ठहराया। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। लोगों से जनसंपर्क करते हुए, जागरूक करते हुए, पहले परिवार से व्यापार 7 तारीख से बरेली बंद का आह्वान को तोड़ने के लिए युवाओं ने दी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि। जी हां, यूपी के बदायूं जिला के तहसील बिसौली ग्राम परसिया में कुछ युवाओं ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। कानपुर में हुई जघन घटना से प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश जहां पुलिस की शहादत से आक्रोशित है तथा विकास दुबे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है। कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। युवाओं ने कैंडल मार्च की सहायता से विकास दुबे को एनकाउंटर की सजा सुनाने का फैसला लेने को कहा और विकास दुबे को समाज में न रहने की गुहार लगाई है। श्रद्धांजलि में कुंवर सोमेश प्रताप, इमरान खान, पंडित अभय, ऋषभ चौहान, नवीन कुमार एवं उनके अन्य साथी मौजूद रहे। देखे जलालपुर से नीलांश राठौर की रिपोर्ट। दर्दनाक घटना जो की कानपुर में हुई है, वहाँ के हिस्ट्री एडिटर विकास दुबे जिसने हमारे पुलिस कर्मियों की गोलियों से हत्या कर दी, उनको छलनी कर दिया, उससे पूरे
देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा लोग आहत हैं, बहुत ज़्यादा दुख प्रकट कर रहे हैं। जगह जगह कैंडल मार्च किया जा रहा है, जगह जगह लोग दुख प्रकट कर रहे हैं, अपने दुख के लिए बयां कर रहे हैं कैंडल मार्च की सहायता से। यहाँ पर हमारे जिला बदायूं में तहसील बिसौली के ग्राम पसिया में भाइयों ने कैंडल मार्च के द्वारा अपने दुख को बताया है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। देखते हैं भाई कैंडल मार्च की सहायता से क्या कहना चाहते हैं, हिस्ट्री सीटर के लिए कौन सी सजा दिलाना चाहते हैं, इनके क्या सरकार से इनकी क्या गुहार है, आइए बात करते हैं। मैं सबसे पहले उन सभी वीर जवानों को उनकी शहादत पे नमन करता हूँ और उनको भरपूर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो 8 जवान अभी अपनी ज़िंदगी से या उनकी जो तबीयत है, मैं उनकी कामना करता हूँ, फिर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी स्वस्थ होकर अपने अपने पर आए। और सबसे बड़ी बात, मैं ये हिस्ट्री सीटर जो विकास दुबे था, इस पर 71 मुकदमे होने के बावजूद ये अब तक फरार है और अभी तक कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की। ये सबसे बड़ी बात, मैं इसकी उचित कार्रवाई की मांग भी करता हूँ और साथ में एनकाउंटर की भी मांग करता हूँ, और जिस प्रकार से ये 71 मुकदमों की जांच भी हो और पूरा उसके सामने रखा जाए कि आखिर ये इसने किया क्यों, ये 8 जवानों की शहादत क्यों की। हमारे भाई ने बताया कि ये विकास दुबे का एनकाउंटर की इनकी मांग है और वो अभी तक फरार हैं, उन पर 71 मुकदमे हैं, 71 उन पर केस हैं, फिर भी वो उनकी अब तक कोई उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। भाई की मांग है कि उनका एनकाउंटर किया जाए, आइए और जानते हैं। ये जो कांड हुआ है, इसमें हमारे शहीदों को, इसमें हमारे शहीदों की शहादत जो हुई है उसके लिए सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। और विकास दुबे जैसे व्यक्तियों के लिए इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इस तरह के असामाजिक तत्वों को हम सब मिलकर बहिष्कार करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सरकार, राज्य सरकार और देश सरकार दोनों मिलकर कोई ऐसा कानून बनाए। कानून है भी हमारे संविधान के तहत, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये ऐसा कुछ करें इसके साथ जिससे हम सबको इस व्यक्ति से और इस पूरे समाज को इससे निजात मिल पाए। इस तरह के व्यक्ति को समाज में रहने को कोई हक नहीं। हमारे भाई का कहना है कि विकास दुबे को समाज से बहिष्कार कर दिया जाए, उनको इस समाज में ना रखा जाए। हमने देखा भाइयों की क्या मांग है, ये लोग कैंडल मार्च से क्या प्रकट करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर हमारी फास्ट न्यूज इंडिया की टीम आई हुई है, कैमरा रिपोर्टर नीलांश राठौर के साथ कैमरामैन अमित। किसान अहित बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हां, यूपी के बदायूं जिला में प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन की बहुत पुरानी मांग रही है कि किसान अपना माल पूरे देश में कहीं भी बेचे, हम किसी मंडी के बंधन में नहीं रहे, और हमारी मांग पूरी भी हुई, लेकिन कानून जब व्यापारिक होता है और जब भी कोई न्याय कानून आता है तो उसमें कुछ कमियां जरूर होती हैं। नई मंडी एक्ट प्रावधान में किसानों के हित के अगर कोई भी खिलवाड़ होगी तो हम लोग उसका विरोध कर उसमें संशोधन कराएंगे। देखिए उगहती सरकी से बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। जो सरकार ने मंडियों का निजीकरण किया है तो उसमें आपके क्या विचार है? ये भारतीय किसान यूनियन की बहुत पुरानी मांग रही है कि किसान अपना माल पूरे देश में कहीं भी बेचे, हम किसी मंडी के बंधन में न रहे। वो मांग हमारी पूरी हुई है, लेकिन कानून जब व्यवहारिक होता है, जब आता है फील्ड में, तो उसमें कुछ कमियां भी होती हैं। हमारी पूरी नज़र है उन कमियों पर। किसी प्रकार से भी अगर मंडी एक्ट में नए प्रावधान में अगर किसानों के हित से कोई भी खिलवाड़ होगी तो हम लोग उसका विरोध करके उसमें संशोधन कराएंगे। कोई भी एक्ट हो, चाहे मंडी का हो, चाहे डीजल वाला मामला हो, चाहे वो खरीद वाला मामला हो, कोई भी चीज़ें हों, सरकार की अपनी अपनी पॉलिसियाँ होती हैं, हर सरकार के अपने माइंड सेट होते हैं, उसी के अनुसार वो सरकार चलाते हैं और सरकारें बदलती रहती हैं तो माइंड सेट बदलते रहते हैं। लेकिन भारतीय किसान यूनियन हमेशा से अपने एक ही माइंड सेट पर काम कर रही है कि जहां सरकारों के सोच में जरा भी कमी है या कुटिलता है उसको हम लोग ठीक करने का काम करते हैं। पहले भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी कोई सरकार किसानों के विपरीत काम करने का प्रयास करेगी तो उसको ठीक किया जाएगा, उसकी सोच को परिवर्तित किया। ये था अभी की कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।